नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनी। 26 एकादशी व्रत कथा सीरीज में आज हम 13वीं एकादशी अपरा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अपरा तथा अचला दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार यह एकादशी अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, शिवरात्रि का व्रत, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा का दान, यज्ञ में स्वर्ण का दान अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्हें प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 14वीं एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।